वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सुरेश ब्लॉग्स चैनल की और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे कोणार्क मंदिर के बारे में। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे और साथ ही आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो मंदिर है पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी कोणार्क में स्थित ये सूर्य मंदिर है फ्रेंड, जो कि काफ़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं फ्रेंड। तो देर ना करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं कोणार्क मंदिर के गेट पे और वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग। तो फ्रेंड वीडियो पे बने रहें, वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहें, ताकि आप लोगों को हर एक कोना से, हर एक चौराहे से आपको हम इस कोणार्क मंदिर को अच्छी तरह से दिखा पाएं। तो फ्रेंड देर ना करते हुए ले चलते हैं आपको कोणार्क मंदिर के गेट पे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, आसपास दुकानें लगी हुई है, सभी चीज़ें यहां पर उपलब्ध हैं और काफ़ी संख्या में लोग कोणार्क मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं। यह है देख चिड़िया सकते का हैं घोंसला, काफ़ी सुंदर। काफी बेहतरीन लग रहा है और हमारा गाइड छोटा छतरी। आगे की ओर थोड़ा छतरी, बड़ा छतरी, वो छोटा छतरी, वो ताड़ पत्री। अरे कहना क्या चाहते हो? वो छोटा छतरी इसी छतरी से कुमार परिवार को आपको बचाना है। कुमार परिवार आपका जिम्मेवार, छोटा छतरी के साथ हमारा नहीं होगा गाइड। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं है, सब कुमार। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। आप वो नज़ारा दिखेंगे जो कि हमें बेसब्री से था इंतजार। तो फ्रेंड कुछ ही क्षण में आपको हम
दिखाएंगे विख्यात कोणार्क मंदिर का दर्शन कराएंगे, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हम लोग ऑनलाइन टिकट परचेस कर चुके हैं। चलो आगे चेक हो गया ना। सुनिए साइड कुमार। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से हमें लाइन लगना पड़ा है। आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या हो जाने के कारण ये लाइन का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ही मुशक्कत के बाद गेट में फोटो ले लो, लेट हो जाएगा। ये इतना फोटोग्राफी ऐसा से लेट किया वो करता था। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये कोणार्क का गेट है। कुमार ग्रुप आइए। ये आदमी होता शकुंतला लड़का होता भारत राजा, भारत वर्ष हुआ आदि हिंदू धर्म, बाद में का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सिंबल लगा हाथी, बौद्ध धर्म को दबा के हिंदू धर्म में ना आया। हिंदू धर्म का सिंबल है शेर, शेर होता शक्ति, दुर्गा माँ जी का वाहन है, हाथी होता लक्ष्मी। आदिम पास धन और शक्ति दोनों होने से दिल में अहम बाबाते गर्व आते, घमंड आदमी को मार देते। आपका पास रुपया रख सकते जो अहम बाप गर्व हवे ना, इनको बाहर समुद्र खराब हुए पड़े बहुत अकेला वाला, लेकिन वो दुहा को खा नहीं पाया। तो फ्रेंड आप लोगों ने सुना गाइड के द्वारा कुछ अहम बातें, कुछ जानकारियां। तो फ्रेंड गाइड का बात को सुनने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के दृश्य को देखने के प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। फ्रेंड आप देख सकते हैं तो फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, आज सामने देख रहे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है फ्रेंड, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये नज़ारा देखने को। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका ऊपर का निर्माण 365 फीट की लंबाई और 235 फीट की चौड़ाई में किया गया है। मंदिर का कुल शिखर और ध्वज के साथ में 171 फीट होगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है। तो फ्रेंड हम लोग इस सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो हम लोग रिटर्न को जाएंगे।
आप देख सकते हैं फ्रेंड, दूर से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ रही है फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसके दरवाजे काफ़ी सुंदर कलाकारी से बनाया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पूर्व में है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंगा वंश राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक एक डिज़ाइन काफ़ी सुंदर मेहनत से बनाया गया है फ्रेंड। आप देख सकते हैं हर एक डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन और मेहनत से बनाया गया है फ्रेंड। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर हर एक कोने पे। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, इस जगह को देखने के लिए, घूमने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरफ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उतनी ही भीड़ से लोग यहाँ पर देखने आए हैं और उतनी ही भीड़ से लोग उधर से आ रहे हैं और अभी भी लाइन में लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ज़रूर बताएं, और भी हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। फ्रेंड, काफ़ी सुंदर ये कोणार्क का मंदिर है। हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, आज सामने से देख रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटमेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, और अभी के लिए बाय बाय।